मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों बैन किया। और भी इतनी सारी वेबसाइट हैं या ट्यूब्स हैं, उनको बैन करना चाहिए। ये तो एक यूथ के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये तो आई डोंट नो क्यों किया है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। हम टिकटॉकर्स का यहाँ से अर्निंग होती थी, ठीक है। अक्सर कॉन्सर्ट पे हमें ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई बड़े रेस्टोरेंट वगैरह हमें अपनी पब्लिसिटी के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसकी तरफ से हमारी इनकम होती है, वो हमें कुछ पे करते हैं। किसी की जॉब्स भी लगी हुई हैं, किसी को कुछ पैसे की अर्निंग भी हो रही है, अर्न करने कुछ लोग, तो बैन हटना चाहिए, बैन होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई हमारा जो माशरा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। जब टिकटॉक था तो हम अपने फैमिली वालों के साथ इतना नहीं होते थे। मेरे खुद की वो बात है ना, जब मैं बनाता था तकरीबन 8-8 घंटे 9-9 घंटे में उस पे लगाता था, अपनी नींद पूरी नहीं करता था। सही, अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह से सब सेट है।